जनता अभी कैसा है, लॉकडाउन से परेशान है। हाँ। अभी लोगों को लगता है कि 1 तारीख से लॉकडाउन खुल जाएगा, कारोबारी भी परेशान है। हाँ। तो क्या गवर्नमेंट राहत दे सकती है जनता को? देखो जनता परेशान है सबको पता है, लेकिन जो कोविड का संकट है ये भी महत्व का है, और कोविड का संकट रुकवाने के लिए लॉकडाउन यही पर्याय सरकार प्रशासन सब ने रखा है और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आज संभाजीनगर के पेशेंट्स रुग्ण जो है कोविड के एकदम कम हुए, उसका कारण लॉकडाउन सक्सेस हुआ है। और इसलिए जनता परेशान है, लेकिन जनता के लिए जो करते हैं वो सरकार करने का प्रयत्न कर रही है। रिक्शा चालकों को, रिक्शा ड्राइवर को, परमिट होल्डर्स को कुछ अनुदान दे रही है, हॉकर्स को दे रही है, जिसके पास राशन कार्ड है उनको मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, ये भी सरकार की तरफ से काम हो रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन जल्द जल्द खुलना चाहिए, ये भूमिका जनता की है, लेकिन कोविड भी नहीं होना चाहिए, ये भी भूमिका सबको रखना पड़ेगा। नहीं सर, लेकिन औरंगाबाद शहर में तो पेशेंट कम है सर, औरंगाबाद शहर को राहत मिल सकती है? ऐसा नहीं, जब पेशेंट कम होते हैं, जब बेपरवाही से लोग अपना वर्तन करते हैं और इससे ज़्यादा धोखा आने वाले समय में हो सकता है, इसलिए जिम्मेदारी खबरदारी अपने सबने लेना चाहिए। सर बैठक में आज का क्या मेन मुद्दा था? न्यूकर माइकस, इसके बारे में चर्चा हुई, आने वाले समय में बच्चों को कोविड अगर होगा तो उसके बारे में बेड की क्या सिचुएशन, उनको दवाइयाँ कौन सी लगती है, उसकी जन जागृति स्कूलों के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से होना चाहिए, ये विषय पर चर्चा हुई है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।